अच्छा जी, तो ये हमने ओपन कर ली है हमारी बुक, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी डिज़ाइन के ऊपर। होपफुली आप सब लोगों ने घर जाके, एक मैंने छोटी सी चीज़ कही थी, आप लोग गूगल करके आइए हुए, बताएं ज़रा क्या मैंने बोला था। क्या क्या सर्च किया बताओ, किसी ने एक्सप्लोर किया घर जाके? प्लीज मुझे कोई खड़ा होकर ये बताए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या करने के लिए कहा था। रिपीट कर दे जस्ट कि ये कहा था सर आपने। यार उसको जरा देखो, वो सही है। माइनस का बटन प्रेस करना, माइनस का बटन प्रेस करो उसको। हाँ है तो सही, ठीक है। हम अच्छा जी, तो बताएं सारे लोग, कोई बता सकता है कि लास्ट क्लास में क्या टास्क दिया था आपको उन लोगों ने? दानियाल जी, दानियाल हाँ, क्या देखने का था वेबसाइट का? वेबसाइट कैसे अट्रैक्टिव बनती है, बिल्कुल सही बताया ना उन्होंने। तो आपने कुछ एक्सप्लोर किया? तो आपने क्या फाइंड आउट किया आपने? तो इन्होंने ये बताया कि जो बैकग्राउंड कलर हम लगाते हैं वेबसाइट पे, उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने में। अच्छा, थोड़ी सी मैंने एडिशनल बात की थी। प्लीज़ मेरा सवाल कोई रिपीट कर दे खड़ा होकर, कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पूछा था, क्या बोला था आपको मैंने? कोई कर सकता है रिपीट? मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा था कि डिज़ाइन का जो एलिमेंट होता है वेबसाइट में, वो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है? यानी जो जिसको हम यूज़र एक्सपीरियंस भी कहते हैं, एक वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होता है। उसके दो दो पोर्शंस होते हैं, या दो उसके काइंड होती हैं। एक तो वो होता है कि प्रीवियस उसकी जो नॉलेज है उसको हम बरोएकार लाते हुए चीज़ों को बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी गाड़ी में अगर ब्रेक मिडिल में होता है तो सारी में ही मिडिल में होता है, तो वो नई गाड़ी वाले उसको मिडिल में क्यों रखते हैं कि पहले से बंदा ये जानता ही है बात। तो एक तो पुरानी नॉलेज जो है, वो पुरानी स्किल्स जो है, उसको बरोएकार लाते हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं जिसकी वजह से वेबसाइट जो है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको मज़ा आता है, आप इंगेज हो जाते हैं उससे, ठीक है? वो एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि जैसे फिरारी है। अब फिरारी के अंदर क्या है, जब वो उसको आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक साउंड होता है। वो साउंड इत्तफाकन नहीं बना है, वो साउंड डिज़ाइन किया गया है। और जब वो साउंड आप जब उसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपको मज़ा आता है। जैसे 125 है होंडा की, उसका जो साउंड है उसमें आप जब एक्सेलरेट करते हैं उसको, तो आपको मज़ा आता है, ठीक है ना? प्लेजर एक देता है, हर किसी को नहीं देता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आता है मज़ा, जो बाइक का शौक रखते हैं। तो वेबसाइट में भी इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। तो मेरा मेरा सवाल ये था, लास्ट क्लास में जाते हुए मैंने छोड़ा था आपके लिए, कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये प्लेजर वाला जो एलिमेंट है ये वेबसाइट में कैसे डाला जाता है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये हम पैदा करते हैं। जी और कोई प्लीज रोशनी डाले। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही एक बात की कि जो वेबसाइट का जो नेविगेशन है ना, वो इस तरह का बनाया जाता है कि आप क्या करते हैं, आप खुद ही एक से दूसरी जगह पहुंचते चले जाते हैं। आपको बगैर किसी एफर्ट के ना, आप पूरी वेबसाइट पर घूमते रहते हैं ऐसे ही बिला वजह। तो एक ये इन्होंने बात बिल्कुल सही बताई। और प्लीज लोग और रोशनी डालें। इंटरनेट लिंकिंग भी कहेंगे, इंटरनेट लिंकिंग एक दूसरे को दूसरे भेज सकते हैं।
खैर ये सवाल मैं स्टिल आज भी इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग घर जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा। आज सेकंड टाइम मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि वेबसाइट के अंदर जो प्लेजर वाला एलिमेंट है, एक तो यूज़र एक्सपीरियंस का जो पहला पार्ट था कि भाई पुरानी जो चीज़ों को, वो तो हमने देख लिया कि भाई लोगो एक ख़ास कोने में, सर्च का जो बार है वो मिडिल में है, टॉप पे, वो हर जगह उसी तरह ही बनाया हुआ है ज़्यादातर लोगों ने, सब ने तो नहीं, ज़्यादातर लोगों ने। अच्छा तो आज हम खैर चैप्टर अपना आगे बढ़ाते हैं ताकि हम पीछे ना रह जाएं इस चीज़ में। अच्छा इन्होंने कहा है कि कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेजेस टू लाइफ, कह रहे कलर जो है ना आपके पेज के अंदर लाइफ लेकर आ जाता है, जान डाल देता है। जब तक कलर नहीं होते आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट जो है वो फीकी फीकी लगती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे ओपन करूँ और उसके मैं एक एक करके सारे कलर उड़ा दूँ अगर, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही अजीब सी लगने लग जाएगी। बताओ कोई भी वेबसाइट, जैसे बाइकिया की एक वेबसाइट दोस्त हमारे बना रहे थे, तो मैं बाइकिया की वेबसाइट खोलता हूँ और मैंने इसके कलर उड़ाना शुरू कर देता हूँ। कैसे उड़ाऊंगा मैं इसके कलर, मैं इसके कलर ऐसे उड़ाऊंगा, मैं कहूँगा स्टेरिक, ठीक है, यही सिलेक्टर है ना, सब पे कुछ लगाना हो अगर तो यही सिलेक्टर हम देख चुके हैं। अच्छा ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का बटन दबाया मैंने, सही है, या F12 भी आप प्रेस करेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाता है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलेंगे तो टॉप पे आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, सही है, उसके बाद या नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, स्टाइल का एक सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, इस जगह पे आप अपनी मर्जी का ना कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, वो टेम्प्रोरीली इसी वेबसाइट पे लग जाएगा, रीलोड करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्प्रोरीली यहाँ पे आप कुछ भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो आमतौर पर डिबगिंग की अप्रोच क्या होती है, कोई स्टाइल अगर आपसे नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर आकर उसको लगाते हैं, जब यहाँ पे वो चल जाता है तो यहीं से कॉपी करके फिर अपने एक्चुअल कोड में लेके चल जाता है, ठीक है जी। तो मैंने इसमें कहा कि स्टेरिक, स्टेरिक नहीं बोलूँगा मैं बॉडी पे गया और बॉडी पे जाके मैंने कहा कलर और ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, इसमें टेक्स्ट का कलर मैंने कह दिया ब्लैक, और इसके आगे इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो कलर सारी हेडिंग का जो कलर था वो गायब हो गया। अच्छा अभी भी क्योंकि कलर इसकी इमेजेस में कलर मौजूद है तो वो कलर आपको अभी भी फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ज़्यादा कलरफुल सी वेबसाइट हो, इसमें तो वैसे ही कलर इन्होंने नहीं रखे हुए, कम रखा हुआ है, तो उसमें आपको लगेगा कि यार वेबसाइट की ना जान ही ख़त्म हो गई। अच्छा इन दिस चैप्टर, अब ये क्या इस चैप्टर में बताने लगे हैं, हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स एज देयर आर 3 कॉमन वेज विच यू कैन इंडिकेट योर चॉइस ऑफ कलर, कह रहे कलर को ना किसी भी एलिमेंट पे लगाने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, वो तीनों सही हैं, अलग सही की बात नहीं है, तीनों सही हैं, ठीक है, लेकिन 3 अलग अलग तरीके हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे क्या होता है। कलर की टर्मिनोलॉजी एक है कोई, ठीक है, एज देयर आर सम टर्म्स दैट आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू पिकिंग कलर। टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, इस्लाहात, कि किसी खास शोबे के अंदर ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली सुन के क्या जहन में आता है आपके, एक मजदूर जिस चीज़ को ट्रॉली बोलता है ना उसमें वो सीमेंट भर के ऐसे लेके जाता है उसको बोलता है। अच्छा एक इंटीरियर डिज़ाइनर शायद ट्रॉली वो टीवी ट्रॉली समझे, मे बी टीवी ट्रॉली समझेगा वो शायद। अच्छा घोड़ी सुन के क्या आता है जहन में, कि शायद हॉर्स होगा, कोई फीमेल हॉर्स है घोड़ी है, लेकिन मजदूर जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं वो घोड़ी एक सीढ़ी होती है उनके पास, एक ख़ास किस्म की, उसको वो कहते हैं घोड़ी, घोड़ी पट्टा लगा के वो उस पर काम करते हैं। तो ये इस्लाहात जो होते हैं ना, ये किसी ख़ास शोबे में ख़ास नाम इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं टर्म्स। तो कलर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो अब डिस्कस करेगा कि भाई वो क्या है। कंट्रास्ट एंड इंश्योरिंग दैट
योर टेक्स्ट इज रीडेबल. कंट्रास्ट किस चीज को कहते हैं, कौन बताएगा? अंग्रेजी में कंट्रास्ट किस चीज को कहते हैं जी? मुख्तलिफ होना किसी का एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं कि कंट्रास्ट है. ठीक है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है तो कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, कम मुख्तलिफ है तो कंट्रास्ट बहुत कम है. सही, मिसाल के तौर पे ब्लैक और वाइट जो है वो एक दूसरे का 100% कंट्रास्ट है. ब्लैक बिल्कुल अपोजिट है, वाइट बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, तो कंट्रास्ट इस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी मुख्तलिफ है, या जिसको हम कहेंगे कि कितना शार्प डिफरेंस है. ठीक है, कितना शार्प डिफरेंस है उसका रेशो हम कंट्रास्ट बोल के बताते हैं कि भाई 20% कंट्रास्ट है इसका, या 30% कंट्रास्ट है, या 100% कंट्रास्ट है. तो कंट्रास्ट के बारे में कुछ बात होगी. बैकग्राउंड कलर्स फॉर बिहाइंड आइदर योर एंटायर पेज और पार्ट ऑफ द पेज. अब बैकग्राउंड कलर अगर आपको लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे, पूरे पेज पे या पेज के किसी खास हिस्से में अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है? तो ये चार बातें पूरे चैप्टर में ये करने वाले हैं. ठीक है, इन्होंने ये छोटी सी वेबसाइट शुरू में बना के दिखा दी, आखिर में इसका कोड भी बताया हुआ होगा इन्होंने. तो ये आप सब लोगों को अपने हाथ से बनाकर मुझे सबमिट करवाना है, गिटहब में इसको होस्ट करके सबमिट करवाना है. तो ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, ताकि ये अभी से ही बना लें आप. तो जी, सबसे पहले आ गया फॉरग्राउंड कलर. फॉरग्राउंड कलर का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसके कलर की बात होगी. ठीक है, तो एक होता है फॉरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर. तो CSS के अंदर फॉरग्राउंड कलर के लिए जस्ट कलर कहते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट कलर है. जस्ट कलर का मतलब क्या है कि फॉरग्राउंड कलर. बैकग्राउंड के साथ ऑन अदर हैंड मेंशन हुआ है बैकग्राउंड डैश कलर. अच्छा, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी सेलेक्टर का नाम लिखेंगे, जैसा कि H1. ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे कलर, और उसके आगे आप कलर का नाम लिख सकते हैं, कलर का आप RGB वैल्यू दे सकते हैं, और ऐसे करके भी पास कर सकते हैं. ये तीन तरीके हैं किसी भी एलिमेंट पे कलर को अप्लाई करने के. ठीक है, अच्छा, जो नाम है कलर का वो लिमिटेड है ऑफ कोर्स. मिसाल के तौर पे अगर आपको कलर के सारे नाम देखने हों तो उसके लिए एक वेबसाइट है, कलर नेम HTML. एक कलर की बड़ी अच्छी वेबसाइट है, HTML कलर कोड, आई थिंक यही है. नो, ये वाली नहीं है. अच्छा, ये आ गई भाई. ये सारे जो है ना कलर के जो नाम हैं इसमें ये लिखे हैं. सही है, मुख्तलिफ कलर और उसके नाम. लेकिन ऑफ कोर्स ये जो नाम है ये कितने हैं, ये लिमिटेड हैं. आई थिंक 255 है, इस तरह कुछ है, 147 है यहाँ लिखा हुआ है बुक में आपके. तो 147 ये टोटल नाम है. जो मोस्ट कॉमन कलर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा में, उसको इन्होंने नाम उनका रख दिए. ठीक है, अच्छा, सेकेंड जो कलर है आपका, सेकेंड जो कलर बताने का तरीका है वो है आपका हेक्स कोड. ठीक है, हेक्स कोड. अच्छा, ये हेक्स कोड देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? कोई इसको पढ़ के मुझे बता सकता है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है? जी, खड़े होकर जरा जोर से बताएं. नहीं, मतलब इसको रीड करें, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पता है? ई, अच्छा, 15, और ये 15. नहीं, 15-14 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, गलत ले गया तुम. ये लिखा हुआ क्या है, क्योंकि देखो ये समझना ज़रूरी है कि है क्या, ये चीज़ क्या है, वो किसकी वैल्यू क्या होती है, वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो देख लेगा बंदा. कलर का कोड तो है लेकिन कैसे है, क्या है इसमें ऐसा? देखो मैं समझाता हूँ. चलो, इसके अंदर ना तीन मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हैं. सही है, जो ये दो डिजिट है ये एक नंबर है,
उसके बाद का जो दो डिजिट है वो दूसरा नंबर है, और उसके बाद जो दो डिजिट है वो तीसरा नंबर है, सही है। अच्छा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं, ये नंबर किस में लिखे हुए हैं? हेक्साडेसिमल के अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा, तो ज़रा हेक्साडेसिमल देख लेते हैं अभी, पहले क्या चीज़ है। हेक्साडेसिमल काउंटिंग, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, काउंटिंग मुझे मिल जाए ना सीधी सी। हाँ, ये आ गई हेक्साडेसिमल की काउंटिंग। हेक्साडेसिमल जो है ना, ये ऊपर वाला जो इसमें दिख रहा है आपको, ये हेक्साडेसिमल है, सही है। नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये डेसिमल है। हम आम जिंदगी में जो गिनती इस्तेमाल करते हैं रुपया पैसा गिनने के लिए और सब्जी वगैरह खरीदने के दौरान, वो डेसिमल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेसिमल जो काउंटिंग होती है, ये आपने प्राइमरी वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा एक बार तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़। डेसिमल जो काउंटिंग है उसमें यूनिक सिंबल 10 हैं। कितने हैं यूनिक सिंबल? 10 हैं उसके अंदर, 0 से लेके 9 तक। 0 एक यूनिक सिंबल है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक जो है वो 10 यूनिक सिंबल है। तो इसी मुनासबत से 10 यूनिक सिंबल होने की वजह से इसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसी कहीं पता नहीं लैटिन वगैरह में 10 को बोलते हैं शायद, तो डेसिमल इसको इसी वजह से कहते हैं कि भाई 10 यूनिक सिंबल वाला, ठीक है। इसी तरह बाइनरी जो बोलते हैं, तो बाई का मतलब होता है 2, उसमें 2 यूनिक सिंबल होता है ना, 0, 1 होता है, तो उसको इसलिए बाइनरी कहते हैं, बाई का मतलब होता है 2। अच्छा, हेक्स, हेक्साडेसिमल, हेक्स कहते हैं 16 को, हेक्स जो है किसको कहते हैं? 16 को। तो हेक्साडेसिमल जो है वो ऐसी गिनती है जिसके अंदर 16 यूनिक सिंबल है, जिसके अंदर क्या है? 16 यूनिक सिंबल है। वो 0 से शुरू होता है और 9 तक तो सीधा सीधा चलता है, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक वो जाता है, ठीक है। तो अगर एफ लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, कभी अगर सब्जी वाला आप चले जाएं किसी PhD गायब दिमाग प्रोफेसर हो कोई सब्जी वाले, और वो आपको कहेंगे यार धनिया के कितने हो गए, वो कहें एफ, तो इसका मतलब वो 15 रुपए की दे रहे हैं गड्डी धनिया की, सही है। तो हेक्साडेसिमल में एफ का मतलब क्या होता है? 16 होता है, 15 होता है, तो ये सामने लिखा होगी आपके, 15 होता है, तो 15 रुपए की वो गड्डी दे रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे डेसिमल में चूंकि 10 यूनिक सिंबल है, तो 9 पे आके सिंबल मेरे खत्म होगा, तो मैं क्या करता हूँ, अब सिंबल को रिपीट करता हूँ, मैं 0 से लेके 9 तक गया था, अब 9 पे जाके मेरे सिंबल खत्म हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, डिजिट 2 कर दिया, सिंबल रिपीट हो गया, अब 10 हो गया, 11 12 13 14 ऐसे चला। तो हेक्साडेसिमल में भी सेम यही चीज़ होती है, सिंबल मेरे 15 पे जाके ख़त्म हो गया एफ पे जाके, सही है। अब उसके बाद जो कैरेक्टर आएगा ना वो क्या होगा, वो 10 आ जाएगा, रिपीट हो जाएंगे सिंबल, लेकिन 10 में हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब हुआ क्या भाई? 15 तक एफ है ना, तो अब 15 के बाद 10 आएगा ना, 10 ही आएगा, तो 10 का मतलब क्या हुआ? 16, फिर 11 होगा 17, फिर 12 होगा, वो डेसिमल में 18 के इक्वल होगा, ठीक है, फिर 19, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर ये जाएगा कहाँ तक? 10 से हम शुरू हुए थे ना, तो 11 12 13 14 15 वो 19 तक जाएगा, 19 तक जाएगा, 19 के बाद 20 नहीं आएगा क्योंकि सिंबल ख़त्म नहीं हुआ है ना अभी, 19 के बाद ये आगे चलेगा, 1A 1B 1C 1D 1E 1F, 1F तक जाने के बाद क्या होगा, आप सिंबल रिपीट हो जाएंगे, 20 आ जाएगा। ये तो अभी 10, ये सिर्फ F तक लिखी हुई है, पूरी गिनती इंटरनेट पे आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगी। अच्छा, तो हमें पता क्या चला कि हेक्साडेसिमल में अगर मैं 2F लिख दूं ऐसे, F और F, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2F अगर मैंने लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो 10 है ना, 20 30 40 50 FF का मतलब है हेक्साडेसिमल में 255। अभी देख लेते हैं, कन्वर्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल
हाँ भाई, अब टेबल में कहीं ना कहीं एफ एफ तो आएगा ना भाई, डेसिमल की टेबल में फाइव फाइव आता है ना, पचपन, तो इसमें एफ एफ नहीं आएगा क्या, क्योंकि एफ एक सिंबल है ना यूनिक। देख लेते हैं जी जनाब। तो मैंने कहा कि हेक्साडेसिमल में एफ एफ लिखा मैंने और कन्वर्ट का बटन दबाया, तो डेसिमल में क्या आ गया, 255 आ गया। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? सॉरी, वो हेक्साडेसिमल की गिनती है ना, वो अभी वो गिनती हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये मंजन है क्या। सही है ना, गिनती ये चलती कैसे, इसमें 16 यूनिक सिंबल है, ठीक है। तो इसलिए एफ एफ में वो 255 तक पहुँच गया, यानी इन्होंने दो डिजिट में जितना काम कर लिया, डेसिमल में जाके वो कितना हो गया, तीन डिजिट, क्योंकि इनके पास सिंबल ज़्यादा है। सही है, तो एफ एफ का मतलब क्या हो गया, 255। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं बुक में जी। ये भी अच्छा सवाल है। असल में कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें ना हेक्साडेसिमल में ज़्यादा अच्छी तरह हो जाती हैं। अब वो क्यों अच्छी तरह होती है ये आप खुद से भी सर्च कीजिएगा, वो क्योंकि हम डिस्कस करेंगे तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो कंप्यूटर की जैसे आपके प्रोसेसर्स हैं जो, वो हेक्साडेसिमल में चलते हैं, वो ना उनकी गिनती हेक्साडेसिमल में चलती है, तो जो उनके प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं वो सारे हेक्साडेसिमल में। तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हेक्साडेसिमल में हो रही होती हैं, क्योंकि इंसानों के अतबार से तो डेसिमल ज़्यादा आसान है ह्यूमन माइंड के लिए, लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसर जिस हिसाब से बनाए गए हैं उसके लिए हेक्साडेसिमल समटाइम, हमेशा नहीं, समटाइम ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। अच्छा, ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका देखें, ये तो 16 यूनिक सिंबल वाला है ना, इसमें 64 यूनिक सिंबल वाला भी एक है गिनती, ठीक है। उसमें 64 यूनिक सिंबल है, उसको हम कहते हैं बेस 64, ठीक है। अब बेस 48 भी है, बेस 45 भी है, वो जितना आप चाहें बन जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए चीज़ें आसान हैं। अब मेरा ख्याल है ये डिस्कशन मैं अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा कि ये क्यों बना, मतलब क्योंकि वो बात लंबी हो जाएगी फिर ना। ये आप अलग से सर्च कीजिएगा कि हेक्साडेसिमल के क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी हैं। फिर बेस 64 जो है, जो कि 64 यूनिक सिंबल वाला एक गिनती है जो कंप्यूटर के लिए बनी गई है, तो वो ऐसी गिनती है कि इमेजेस वगैरह भी कन्वर्ट हो जाती हैं उस काउंटिंग के अंदर। मतलब इमेज को हम क्या कर देते हैं, काउंटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और दोबारा इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कंप्यूटर में कन्वीनियंट रहता है, बस इतना अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा जी, तो आप सब ये जानते हैं, पहले तो हेक्साडेसिमल समझ आ गया। हेक्साडेसिमल के ये तीन नंबर लिखे हैं, नंबर एक, नंबर दो और नंबर थ्री। सबसे पहली जो वैल्यू है वो किसकी है, रेड, द अमाउंट ऑफ रेड। मिनिमम वैल्यू हो सकती है ज़ीरो, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255। ज़ीरो से लेके 255 के दरमियान रेड की वैल्यू, कि रेड कितना होगा। उसके बाद RGB, तो रेड के बाद ग्रीन है, बीच वाला ग्रीन की वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 255, मिनिमम ज़ीरो। तो ज़ीरो से लेके 255 के दरमियान ग्रीन की एक वैल्यू कोई ना कोई हो जाता है। फिर तीसरा वाला जो है वो क्या है, ब्लू है, अमाउंट ऑफ ब्लू, वो इसमें आ जाएगा। चल के देखते हैं जी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम चलते हैं गूगल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर था मेरा, ये क्या था, कुछ पिंक टाइप की चीज़ थी। अच्छा, अगर इस पिंक में से मैं सबसे पहला रेड है ना, रेड को मैं कर दूँ 00, तो क्या हो जाना चाहिए, उसको एंटर नहीं किया अभी मैंने, बताओ क्या हो जाना चाहिए। रेड को बिल्कुल ही माइनस कर दिया मैंने, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा ना, तो ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्लू और ग्रीन, कुछ मजेंटा वगैरह टाइप का ही बनेगा, इस तरह का बना है, ब्लू बन गया ये तो। अच्छा, ब्लू ये इसलिए बन गया है कि ग्रीन की वैल्यू भी बहुत कम है। सही है, मैं ग्रीन की वैल्यू को फुल कर देता हूँ। अगर एफ एफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो मैंने RGB ग्रीन की वैल्यू को 100% कर दिया मैंने, और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ग्रीन बढ़ गया, ठीक है। दोबारा मैंने क्या किया, ब्लू की वैल्यू को भी FF कर दिया,
मैं ये बन गया, इसको क्या क्यान बन गया, ये सही है क्यान या एक्वा कलर बन गया। अच्छा मैं जब खुद पढ़ रहा था तो उस ज़माने में मैंने एक छोटा सा बनाया था एसी का, एक क्या उसको कहेंगे हम, आर जी बी लिखूँगा मैं तो आ जाएगा वो, ये उसकी रिपोजिटरी है, तो ओपन करते हैं इसको। इसमें ये खेलने के लिए बनाया था, क्या हुआ खुला नहीं, नहीं नहीं खुलेगा यार ये, एक मिनट। अच्छा मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ तो शायद मुझे इस लॉगिन का क्या ताल्लुक है। अच्छा सेटिंग में गया मैं, सेटिंग में जाके पेजेस में गया और पेजेस से मैंने ये खुल रही नहीं है तो मना कर दिया इसने, तो इसमें मैंने कस्टम डोमेन लगाया हुआ था, मे बी उसकी वजह से कुछ इशू हुआ था इसमें। यार ये कोई बात है भाई, ये तो खुलने का नाम ही नहीं हो रहा सर, अगर स्टैटिक है तो कॉपी कर लेना पहले। हाँ इसको मैं वो कर लेता हूँ ना, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ अपनी मशीन में और यहाँ पे खोल लेते हैं इसको। अच्छा मैं गया भाई अपने एक फोल्डर में गया, यहाँ पे मैंने कहा गिट क्लोन और ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है क्लोन कर लेता हूँ उसको क्योंकि पेज ये वो HTML का वो तो ईजिली खुल जाएगा। ठीक है जी ये पेज है एक सिंपल सा ये। अच्छा इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे कलर इसमें 100% पर हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालूंगा और मैं मिक्स कलर का बटन दबाऊंगा ना तो दरमियान में वो कलर मिक्स हो के आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैंने रेड की वैल्यू डाली है अगर 100, ठीक है ग्रीन की मैंने डाली 100 और ब्लू की मैंने डाली है 10, तो ये कौन सा कलर बनेगा, ब्लू और ग्रीन, रेड और ग्रीन मिल के थोड़े येलो टाइप का कुछ शेड बन गया, सही है रेड टाइप का एक शेड बन गया। अच्छा अगर मुझे पर्पल कलर बनाना हो तो मुझे कौन कौन से कलर मिक्स करने होंगे। अच्छा इसमें मैक्सिमम वैल्यू बाय द वे क्या है, 255 है, सही है 255 से ऊपर नहीं जा सकता मैं, तो अगर मैं सबको 255 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वाइट बनेगा, सही है ये बीच में जो आ रहा है ना ये वाला एक्चुअल कलर है, वाइट बन गया ये, ठीक है। अच्छा अगर मैं सबको जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, सही है ब्लैक हो गया। तो हमारे जो मॉनिटर का जो कलर है वो कहाँ से शुरू होता है, वो ब्लैक से शुरू होता है और वो वाइट तक जाता है, 255 पूरा वाइट तक जाता है। तो जहाँ पे भी हमें स्क्रीन के ऊपर कोई कलर बताना होता है वहाँ पे तीन कलर देने का ऑप्शन होता है RGB, बस पूरी दुनिया में इस वक्त और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है स्क्रीन पे कलर दिखाने का, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस वक्त, ठीक है। और अदर हैंड जो पेपर पे दिखाते हैं उसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं, उसमें CMYK भी है और दो तीन और भी आजकल आए हुए हैं, ठीक है उसमें पता नहीं कोई लेज़र वेज़र भी आ गया है, वो 10 तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें, लेकिन स्क्रीन के ऊपर यही एक ऑप्शन है कि आप क्या देते हैं, रेड ब्लू ग्रीन का उसको वैल्यू देते हैं, वो कलर उसको समझ में आ जाता है क्या है। अच्छा तो उसको देने के तीन तरीके हमने देख लिए। नंबर एक तरीका, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले कलर हैं उसका क्या हो गया, नाम रख दिया गया, जो कलर कोड आपके पास अवेलेबल हो गया, जो मर्ज़ी आपको कलर चाहिए वो आप कोड लिख दो कि इतना रेड डालो इतना ब्लू डालो, ये मसला हल हो गया। नंबर थ्री, जैसा कि आपके दोस्त ने कहा कि यार हेक्साडेसिमल इतना मुश्किल है तो इसके पीछे पड़े हुए क्यों, उसको छोड़ो हेक्साडेसिमल को, क्या बेवकूफ़ी की बात है, तो ये नीचे भाई आपके लिए ये भी अवेलेबल, ये सेम चीज़ है जो RGB कोड में दे रहे हैं वो सेम चीज़ यहाँ पे हम नंबर्स में दे रहे हैं, सही है मसला हल है, तीनों तरीके सही हैं। डिज़ाइनर ज़्यादातर ये कोड वाला तरीका प्रेफर करते हैं,
क्योंकि डिज़ाइनर ये नया तरीका ना आरजीबी वाला, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हैश के साथ जो कलर कोड है इससे डिज़ाइनर लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फोटोशॉप में भी यही होता था, शुरू से यही है। तो लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको डिज़ाइनर ने ये कोड दे दिया, ये वाला आपको पसंद नहीं आ रहा, आप जाओ गूगल पे, आप जाके गूगल पे इसको करो पेस्ट, हैश लिखा पूरा कोड एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, गूगल आपको क्या करेगा इसके तीनों चारों वैल्यू बता देगा, आरजीबी बता दी, सीएमवाईके बता दिया, एचबीएस और एचएसएल तीनों बता दिया। लेकिन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आरजीबी सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड है, ठीक है, एचएसएल भी यूज़ होता है, अभी वो आगे आएगा। सीएमवाईके ऑन अदर एंड वो बिल्कुल प्रिंट के लिए डेडिकेटेड है, सही है, सीएमवाईके स्क्रीन पर इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, मैंने इसको बंद कर दिया और वापस आ गया। अच्छा, इस चीज़ में कोई अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, प्रिंट तो नहीं सीख रहे ना वो, फोटोशॉप जो लोग सीखते हैं ना तो वो उनको ब्रोशर वगैरह प्रिंट निकालना होता है, उन वो आरजीबी से ही निकलेगा, नहीं सीएमवाई के इसमें नहीं लगेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आरजीबी का प्रिंट नहीं निकल सकता, प्रिंट तो सबका निकलता है, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो ना प्रिंट निकल जाता है उसका, ठीक है। लेकिन सीएमवाईके जैसे आपने देखा होगा जो जो एक मोटे पेजेस वाली बुक होती है, शाइनिंग वाली, जो फैशन मैगजीन वगैरह जिस मोटे से पेज होता है उसका, उस तरह के जो पेजेस बनते हैं ना हाई क्वालिटी प्रिंट, वो आरजीबी से उतने हाई क्वालिटी का नहीं निकल सकता, समझ रहे हो बात। जो ब्लैक कलर है आरजीबी से अगर मैंने प्रिंट निकाला ना तो वो ब्लैक क्या होगा, वो हल्का सा नेवी ब्लू दिखेगा असली पेपर में, वो पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से, और ब्लैक कलर बहुत महंगा पड़ जाता है, अगर मैं आरजीबी से बनाऊँ ना वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंसी की भी बात है। तो सीएमवाईके में ना ब्लैक कलर अलग से होता है, सीएमवाईके का मतलब है क्यान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, तो के का मतलब है ब्लैक, तो ब्लैक कलर ना फुल डार्क ब्लैक कलर अलग से डाला हुआ होता है और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ब्लैक कलर, ठीक है। महंगा वो भी होता है, यानी प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा महंगा कलर ब्लैक ही है और ब्लू है, लेकिन वो अलग से होता है तो वो फिर भी इस वाले से बेहतर पड़ता है। अच्छा जी, इसके कोड को हम थोड़ा सा जो है ना देख लेते हैं, अभी लगा के भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। कोड हम ओपन कर लेते हैं अपना, क्या कर रहा हूँ, ये जनाब मैंने VS कोड को ओपन कर लिया, और VS कोड ओपन करके मैं चला जाता हूँ उस फोल्डर में बैज 8, और लास्ट क्लास का ही जो कोड है हमारा CSS सेलेक्टर के नाम से जो हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर तो हम लगाकर यहाँ पे देख चुके हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है, लेकिन अब मैं फोरग्राउंड कलर भी ज़रा इसमें लगा के देखता हूँ कि आया कि वो लग जाता है कि नहीं लग जाता। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारे पास एक हेडिंग है H1, राइट, मेरे पास सबसे टॉप पे ये एक हेडिंग है H1, इसका कलर मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, ब्लू कलर हो जाए इसका। तो मैं ज़रा देखता हूँ ट्राई करके क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे कि भाई H1 जो है उसका क्या हो जाए, कलर ब्लू हो जाए। सही है जी, तो ये ब्लू हो गया कलर इसका। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार नहीं ये कलर बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे होवर करूँगा ना ये जो ब्लू आ रहा है थोड़ी देर, तो VS कोड का फीचर है ये कि मुझे यहाँ पे पूरा ये ओपन कर देता है। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूँगा तो आप नोट कीजिए ऊपर RGB की वैल्यू भी बता रहा है वो साथ साथ मुझे। मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा मैं कम वाली वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं 44, 44, 214, ये इसने मुझे खुद ही पिक करके बता दिया, सेव, तो ये मेरे पास वो वाला कलर आ गया। ये VS कोड का फीचर है, ये अगर आप किसी और एडिटर पे करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई ये सारे H1 जो थे ना वो सब हो गए इससे ब्लू। अच्छा, एक एक ही H1 है हमारे पास, ठीक है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा H1 होते तो मैं क्या कहता, मैं कहता बॉडी का डायरेक्ट क्या है जो चाइल्ड है, यही है ना डायरेक्ट चाइल्ड का, तो बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड जो H1 है यानी टॉप लेवल पे जितने H1 है उन सब का कलर चेंज करो, तो मैं सेलेक्टर इस तरह भी यूज़ कर सकता था,
ठीक है, या मैं ये भी कह सकता था कि जो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड का सिलेक्टर कौन सा है, प्लस जो है वो एडजेसेंट का है, फर्स्ट चाइल्ड का कौन सा है सिलेक्टर, नहीं कर रहा ये तो डिसेंडेंट है, फिर स्पेस वाला जो है ना वो तो डिसेंडेंट है, बॉडी के अंदर के अंदर के अंदर जितने भी H1 है सब पे लग जाएगा ये। खैर तो भाई ये ना याद करने वाली चीज़ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ एग्जाम में आएगा ये कि कौन सा सिलेक्टर क्या है, सही है ना। एक सिलेक्टर बना हुआ होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे कि भाई इसका नाम क्या, डिसेंडेंट है, डायरेक्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, क्या है, या हो सकता है नाम लिखा हो कि विच वन ऑफ देम इज डायरेक्ट चाइल्ड या विच वन ऑफ देम इज एंसेस्टर, तो और नीचे चार उसके सिंबल बने हुए होंगे, कुछ ना कुछ होगा इस तरह का आई एम श्योर, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ आएगी, ये याद कर लेना कि सेलेक्टर कौन कौन से होते हैं। आगे चलते हैं जनाब हम, और अब हम आ गए बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर पे भी वही तीन तरीके जो फोरग्राउंड पे थे वो मौजूद हैं। सबसे पहले RGB, तीन वैल्यू अलग अलग दे दी, कलर का नाम, कलर का हेक्स कोड, ठीक है, ये तीन तरीके यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद हैं। लास्ट में भी जो है वो भी नाम ही दिया हुआ है, वाइट जो है, वाइट इज़ अ नेम, ठीक है जी। बाई डिफ़ॉल्ट मोस्ट ब्राउज़र विंडो हैव अ वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे ये बात नोटेबल है कि जो भी ब्राउज़र, यानी आपने बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं बताया तो भाई बैकग्राउंड में कुछ तो कलर होगा ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर में होता है वाइट गूगल क्रोम में, लेकिन ये कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये वेरी भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्राउज़र ये कहता है कि हम किस में आ चुके हैं, डार्क मोड में, कम्प्लीटली डार्क मोड है, तो किसी वेबसाइट ने अगर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो हम बाई डिफ़ॉल्ट उसको डार्क रखेंगे, तो वो डार्क रहेगा। तो ये फ़िलहाल के लिए ज़्यादातर में बैकग्राउंड वाइट है, बट ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी हो सकता है इन फ्यूचर, अभी तक तो नहीं हुआ होगा, यानी मेजर चार ब्राउज़र हैं उसमें तो वाइट ही है, लेकिन वो हो भी सकता है। अच्छा, टेक्स्ट का जो कलर है फोरग्राउंड कलर, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लैक है वो, लेकिन कोई ब्राउज़र अगर ये डिसाइड करे कि यार बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या रखेंगे क्योंकि हमें है डार्क मोड, तो बैकग्राउंड ब्लैक है तो टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, तो वो वाइट उसको करे तो हो सकता है, वो कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नियर फ्यूचर में ये लोग करेंगे काम। अच्छा भाई, ये तो हो गया कि कलर को लगाते कैसे। अभी कलर हमारे पास मौजूद था कि भाई ये कलर लगाना है, ऐसे करके इसको कोड दो, समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कलर्स, के कलर को अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज अ कलर, कौन मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज अ कलर, कलर क्या है, तो रेड कलर जो है, मेरा सवाल आपसे ये है कि रेड कलर जो मैं कह रहा हूँ ना कि रेड कलर है, व्हाट इज द कलर, कलर क्या है, रंग क्या है, यही सवाल है मेरा। हाँ, सेफ्टी तो नहीं है, आपने सही बात की है कि यार अगर हम दीवारों पे कलर कर देते हैं तो दीवारों के लिए सेफ्टी है, लेकिन असल में वो दीवारों पे जो सेफ्टी के लिए चीज़ लगाते हैं ना, वो असल में कलर नहीं होती है, वो चीज़ वो कलर नहीं होती है, वो चीज़ वो जो चीज़ होती है ना जो हम दीवार पे लगाते हैं वो होता है पेंट, और वो पेंट ज़ाहिर है वो किसी ना किसी कलर में आता है, तो वो पेंट होता है, उसमें हो सकता है कोई भी कलर ना हो, क्योंकि अभी रीसेंट जो मैं बात बता रहा हूँ, आजकल जो पेंट बिकते हैं, पहले तो ये होता था ना पेंट भाई दुकान से कंपनी से बना हुआ जाता था कि ये रेड है, ये पिंक है, ये ग्रीन है, ऐसा आता था, अब वो मसले हल हो गए। अब आजकल आप जब जाएंगे ना दुकान पे तो पेंट अलग से होता है और कलर अलग से होता है, अब किसी का पता नहीं है अभी लेटेस्ट वाले में इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ, वो करते ही हैं कि वो डब्बा खोलते हैं पेंट का, बाल्टी जो है, और डब्बे को खोल के ना एक मशीन पे रखते हैं वो,
और उसमें डालते हैं कलर का कोड, और वो बटन प्रेस करते हैं ना, वो क्या करता है, वो एक लाइट मारता है उसके ऊपर, और फिर उसमें से दो तीन कतरे टपकते हैं कुछ कलर के, और बस वो उसको मिक्स मारते हैं, वो बन जाता है कलर। ये हो गया आजकल, ये हो रहा है। तो दीवार पे जो सेफ्टी कर रहा है ना असल में, वो है पेंट, वो केमिकल है, वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, क्योंकि भाई वो लगा ही रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कलर भी ऐड कर देते हैं ताकि भाई अच्छा भी लगे देखने वाले को। तो जो चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं वो है कलर। और मेरा सवाल है कि व्हाट इज़ अ कलर, प्लीज़ कोई इस पर अपना इजहार ख्याल करें आपने से, किसी चीज़ को डिफाइन करना। मैं अपने सवाल को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये दीवार ब्राउन है, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई है, ये सारी ब्राउन है, ये तो ये ब्राउन क्यों है, ये ब्लैक क्यों नहीं है, या ये वाइट क्यों नहीं है, या जो चीज़ ब्लैक है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, व्हाट इज़ कलर। वेव लेंथ का फ़र्क है, थोड़ा मजीद बोले हैं आप इस बारे में। हाँ, 25% बात इन्होंने सही कर दी है, खुद से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बेहतरीन बात कर दी। बिल्कुल यार, सही बात कर दी उन्होंने। देखो, कलर जो है ना, कलर कुछ भी नहीं है, कलर एग्जिस्ट ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये टेबल ब्राउन है ना, अगर ये टेबल ब्राउन है तो ये हमारे लिए ब्राउन है, ये असल में ये ब्राउन ब्राउन है नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ब्राउन हमें दिख क्यों रही है अगर ये ब्राउन नहीं है तो? ये बेसिक साइंस है इसकी कलर की, ये समझ जाओगे ना तो फिर आगे बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा ये दोनों। ये हमें ब्राउन दिख रही क्यों है भाई? ये ब्राउन इसलिए दिख रही है कि कलर असल में इसमें नहीं है, ये मैंने क्लेम किया, कलर है इसमें, लाइट जो है ना ये इसमें कलर है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, लकड़ी की टेबल में ना कोई ब्राउन कलर नहीं है, कलर है इसके अंदर। अच्छा, सूरज में भी जो है सारे सात जो बेसिक कलर्स हैं, अच्छा भाई देखो, सूरज में जो कलर्स हैं वो सात नहीं है, वो सूरज के जो कलर हैं वो जो चेंज हो रहा है वो एनालॉग है, तो एनालॉग की ना कोई लिमिट नहीं होती, मतलब अनलिमिटेड होते हैं वो, इन्फिनिटी होते हैं। लेकिन जाहिर है वो जो मोटे मोटे हमें दिख रहे होते हैं थोड़ा, उसको हम डिस्क्रीट वैल्यू जो निकालते हैं वो सात हैं कि भाई चलो सात मोटे मोटे कलर हैं, वैसे वो सात नहीं है, वो इन्फिनिटी है, क्योंकि हम इतना सा हिलाएंगे ना वो चेंज हो जाता है। तो वो मतलब वन और टू के दरमियान में क्या है, वन और टू के दरमियान में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, सही है ना, 1.9 है, फिर 2 है, ये 1 और 2 के दरमियान में ना, 1 में और 1.1 के दरमियान में क्या है, 1.01, 1.02, 1.03, 1.09, 1.1, 1 के और 1.001 के दरमियान में क्या है, ये इन्फिनिटी है, सही है, ये इन्फिनिटी है। तो एनालॉग जो चीज़ें होती है ना वो इन्फिनिटी होती हैं इसी वजह से। तो सूरज के जो सात कलर है ना वो सात नहीं है असल में, वो उसको हम जितनी क्लासिफिकेशन करते चले जाएंगे वो होती चली जाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो अनलिमिटेड है। तो एनालॉग वैल्यूज इसीलिए, जैसे साउंड है ना जो, यानी मैं बोल रहा हूँ जो मेरे मुँह से जो साउंड निकल रहा है वो एनालॉग है, सही है, जो यहाँ डिजिटलाइज होके जा रहा है वो डिस्क्रीट वैल्यूज उसमें से ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। यही वजह है कि माइक पर मेरी आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ लगती है,
रियल में मेरी आवाज़ शायद थोड़ी मुख्तलिफ लगती हो आपके कानों को सुनने में, ठीक है। तो डिजिटल चीज़ें जितनी पिक कर लेता है ये जितनी इनफ डिटेल समझ में आ जाता है। तो सूरज के अंदर ना साथ नहीं है, इन्फिनिटी कलर है उसके अंदर। सूरज में से कलर निकलते हैं रोशनी की सूरत में। अच्छा, हमें सूरज की रोशनी दिखती है वाइट, वाइट इसलिए दिखती है कि वो सातों मिक्स हैं, सातों मिक्स होते हैं तो वाइट बन जाता है, हमें ये पता है। सूरज से निकली, इधर पड़ी इस टेबल में, धूप लगी, रोशनी लगी। अब होगा क्या कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो टेबल का, इसके अंदर ना वो रोशनी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगी, ये भी क्या बेवकूफ़ी की बात है, एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगी भाई? वो एब्जॉर्ब इस तरह से हो जाएगी कि रोशनी असल में क्या है, सिग्नल्स हैं, काइंड ऑफ भाई मोबाइल के सिग्नल दीवार से क्रॉस हो जाते हैं ना, पार हो जाते हैं। तो सूरज की रोशनी भी ऐसे ही है, उसका जो 99.9% क्या है, वो पास हो जाता है इसमें से। यही वजह है कि आप धूप में कोई चीज़ रख देते हैं थोड़े दिन, तो वो प्लास्टिक की कोई चीज़ थोड़ा टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धूप की रोशनी उससे गुजर गुजर के उसको ख़त्म कर देती है, ख़राब कर देती है। अच्छा, उसमें से रोशनी गुजर जाएगी, वो रोशनी वेवलेंथ है, रोशनी एक सिग्नल है, रोशनी फोटॉन्स हैं। कुछ फोटॉन्स जो है ना, वो ये टेबल एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देगा। कौन से वाले फोटॉन्स को, कौन से वाले सिग्नल्स को ये टेबल रिफ्लेक्ट करते हैं? ब्राउन वाले, या उन कलर्स को जिनको मिला के ब्राउन बनता है। अच्छा, ब्राउन देख लेते हैं किसको मिला के बनता है। ब्राउन देख लेते हैं भाई किसको मिला के बनता है। ब्राउन जो है ना, उसका कोड आ गया हमारे पास, ये रहा। ब्राउन के अंदर जो है भाई 101 जो है वो रेड है, थोड़ा सा ग्रीन है उसमें, थोड़ा सा जो है वो ब्लू है। ये इन तीन कलर को मिला के क्या बनता है? ब्राउन। तो इस टेबल ने क्या किया, थोड़े थोड़े ना तीनों कलर इसने रिफ्लेक्ट कर दिए। जाहिर है भाई, जब चीज़ क्रॉस होती है तो पूरी नहीं क्रॉस हो पाती, थोड़ी सी रुक जाती है। ये वो कलर्स थे जो इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये रोशनी जो इसने रिफ्लेक्ट किया ना, ये कहाँ गई? ये हमारी आँखों के अंदर गई रोशनी। हमारे आँखों के अंदर ना एक सेंसर लगा हुआ है, जिसको फोटो सेंसिटिव सेंसर कहते हैं, या जो भी उसका टेक्निकल कोई नाम होगा। उस पर जब ये लाइट लगती है ना, तो हमारा ब्रेन उसको ट्रांसलेट करता है, कुछ मीनिंग लेता है उसकी, इन वैल्यूज़ की कुछ मीनिंग लेता है, और उस मीनिंग को हम कहते हैं ब्राउन। तो आज के बाद जब भी आप कोई गोरी लड़की देखें, तो वो असल में गोरी है नहीं, वो सूरज की खास रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। और वो रोशनी कौन सी है? सफ़ेद है, वो रोशनी है सफ़ेद। तो ये काला गोरा होना कोई कमाल की बात है नहीं असल में। अच्छा, तो जो बंदा ज़्यादा डार्क है, काला है बंदा, इसका मतलब क्या है? जो सूरज की सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लेता है, काला है जब उसकी स्किन। और जो सफ़ेद है, वो सूरज की रोशनी को, ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो वाइट निकल रहा है उसमें से। यही वजह है कि जो जिनकी स्किन डार्क होती है, उनमें वाइटामिन डी की कमी नहीं होती आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी जब एब्जॉर्ब होती है, तो उससे आपकी स्किन को वाइटामिन डी मिलता है। तो ये समझ में आया कलर की साइंस। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ ब्लू नज़र आ रही है आपको, जैसे आपकी जो चेयर है जिस पर आप बैठे हुए, ये ब्लू है, तो इस पर जब सूरज की रोशनी लगती है, तो सारी रोशनी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ब्लू को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर कोई चीज़ ब्लैक है, इसका घाटा वही रुका हुआ अभी। हड्डियाँ मजबूत है खानदानी, दोस्त कह रहे हैं हमारे। अच्छा, कोई अगर चीज़ ब्लैक नज़र आ रही है आपकी आँखों को,
तो वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, कौन से को रिफ्लेक्ट कर रही है? रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रही है, सारे एब्जॉर्ब कर रही है। अगर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है सफ़ेद, वाइट, जैसे वाइट कलर की जुम्मे को आप कमीज़ पहनते हैं, वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है? सारे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है वो, सही है, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है वो। और यही वजह है कि जो आपके ट्रैफिक पुलिस होती है, जो वो सफ़ेद रंग की वर्दी होती है उनकी, उसकी वजह क्या है? धूप में गर्म नहीं होती वो, क्योंकि उसके अंदर रोशनी दाखिल नहीं होती, सफ़ेद रंग के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी वजह से वो सफ़ेद रंग क्या होता है, जैसे ही वो छाँव में जाएगा वो फ़ौरन ठंडा हो जाएगा, उसका जो कपड़ा है वो जब तक धूप में होगा जब तक तो गर्म रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है रेजिस्ट कर रहा है ना रोशनी के खिलाफ, तो गर्म रहेगा धूप में जब तक खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वो छाँव में जाएगा उस कपड़े को ठंडा होने में टाइम नहीं लगेगा। ट्रैफिक पुलिस को धूप में खड़ा होना होता है ना पूरा दिन। हाँ, अब उनका ब्लैक क्यों बनाया, शायद वो रात को निकलते हैं, मे बी इस वजह से हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं उनकी। खैर, तो जितने भी जो लोग हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ में जब आप जाएंगे तो अरब कंट्रीज़ में लोग सिर्फ सफ़ेद रंग के ही पहनते हैं बहुत। वहाँ पे जो मतलब बिल्कुल ही हर वक्त एसी में रहने वाले हैं ना, वो पहनते हैं थोड़े डार्क कलर, वो भी नहीं पहनते बल्कि, क्योंकि रिवाज नहीं है वहाँ, सारे वाइट वाइट घूम रहे होंगे। और वो बड़ी बड़ी कमीज़ें होती हैं सिंगल पीस की, वाइट वाइट होती है, वो सर पे भी वाइट कलर का कपड़ा बांधते हैं, उससे क्या होता है धूप से रेजिस्टेंस मिलती है। ऑन अदर हैंड अगर आप वेस्ट में जाएं जहाँ पे गर्मियाँ ठंड होती है जहाँ पे, तो जैकेट्स 99.9% जैकेट में डार्क कलर की होती है, बहुत कम ऐसी होती है जो लाइट कलर की हो। उसका रीज़न क्या है? डार्क कलर बाई डिफ़ॉल्ट गर्म रहता है, कि वो इस लाइट को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जो ये एनर्जी सेवर की लाइट जल रही है मेरे ऊपर, इसको भी एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर, और इसलिए वो गर्म रहता है। तो जैकेट्स, कंबल, ब्लैंकेट, ये सारे डार्क डार्क कलर के लोग इसीलिए बनाते हैं ऑन पर्पस, सही है। अच्छा, तो ये हमने समझी थोड़ी सी कलर की साइंस। अब हम आते हैं आगे, बुक में ही क्या बता रहे हैं। Every color on a computer screen is created by mixing amount of red, green and blue. अब इस जो साइंस हमने अभी तक समझी है, इस साइंस को जहन में रखते हुए कौन मुझे ये बताएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर कोई चीज़ मुझे लाल नज़र आ रही है या कोई चीज़ मुझे ग्रीन नज़र आ रही है, वो ग्रीन क्यों नज़र आ रही है? इस पर तो सूरज की रोशनी नहीं लग रही, मैं तो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ बिल्कुल ही। जी प्लीज़ अपने इजहार ख्याल करें। अच्छा, क्या बताओ, खड़े कर बताओ। आपके एक दोस्त कह रहे हैं कि उसके अंदर अपनी एक लाइट होती है, उसकी वहां से रोशनी निकल रही होती है। तो लाइट तो सफेद होनी चाहिए, ये लाल पीला हर तरह के कलर कैसे आ जा रहे हैं इसके अंदर? निकल रही सिर्फ वाइट है, तो ये लाल मुझे कैसे दिखा रहा है? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल सही बात कर दी उन्होंने। हमारे पास असल में जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती भी आई है, लेकिन आजकल या पिछले 5-6 सालों में या 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी सबसे कॉमन है, उसमें क्या तरीका इख्तियार किया जाता है कि स्क्रीन के हर पिक्सल के अंदर 3 लाइट लगी हुई होती है। एक होती है वाइट, एक होती है वाइट तो होती नहीं है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन होती है, सही है। वाइट तीनों जल जाएगी तो ऑटोमेटिक वाइट दिखेगा हमें, तो रेड, ब्लू, ग्रीन 3 लाइट होती है हर पिक्सल के अगेंस्ट। तो आपकी स्क्रीन पे अगर 1000 पिक्सल ऐसे है और 1000 पिक्सल ऐसे है, स्क्वायर जो मॉनिटर होते थे, जैसे ये मॉनिटर स्क्वायर है, काइंड ऑफ, नहीं स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा
मतलब 1000 ऐसे और ऐसे 1600 है काइंड ऑफ, थोड़ा वाइड एंगुलर, तो टोटल कितने पिक्सल हो गए ये? तकरीबन 2 मेगापिक्सल हो गए, ठीक है, यानी कि 2 मिलियन के करीब इस तरह कुछ। हर पिक्सल के अंदर क्या है, छोटी छोटी 3 लाइटें लगी हुई हैं। जब मेरी स्क्रीन पे वाइट रेंडर होता है तो वो तीनों लाइटें जला देता है उस पिक्सल की, यानी जिस जो पिक्सल वाइट दिखाना होता है, ठीक है। जैसे मेरी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग कलर, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ जहाँ पे वाइट है वहाँ पे तीनों लाइटें जल रही हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लैक है या डार्क कलर है वहाँ पे अकॉर्डिंगली लाइट उसी हिसाब से जल रही है। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा कि एक लाइट अगर मैं कह रहा हूँ 3 कलर की लाइट उसमें लगी हुई है तो वो रेड कैसे हुई, वो लाइट रेड कैसे हुई? जी अभी मैं एक पिक्सल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पूरी स्क्रीन को एक साइड पे करके मैं सिर्फ एक पिक्सल की बात कर रहा हूँ। मैंने ये क्लेम किया कि हर पिक्सल में 3 लाइट है अंदर, एक है ग्रीन, एक है ब्लू और एक है रेड, तो ये रेड कैसे हो गई? रोशनी का कलर रेड तो नहीं होता, नहीं अभी एक ही लाइट है समझो। जी चलो आसान कर देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर पे एक नाइट बल्ब लगा हुआ है छोटा सा, वो रेड कलर का है नाइट बल्ब, वो रेड क्यों है, वो रेड क्यों नज़र आ रहा है? उस पर तो सूरज से रोशनी नहीं पड़ रही कोई, वो वाली थ्योरी तो फेल हो गई ना हमारी, सूरज से रोशनी पड़ती है बाकी को अब्जॉर्ब कर लेता है, रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है फिलामेंट, कवर रेड होता है नाइट बल्ब के ऊपर, सही है। तो आमतौर पर जो फोटोन जब प्रोड्यूस होता है, फोटोन जब फिजिकली फिजिकल चीज़ है ना, प्रोटॉन, ये जो फोटॉन्स होते हैं जो भी नाम होता है इसका, वो एक फिजिकल फिनोमेना है। आप अगर बैटरी की 2 तारों को भी यूं करेंगे ना तो उसमें से फोटॉन प्रोड्यूस होता है। फोटॉन का जो कलर है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी वो सफ़ेद भी होता है, जो टंगस्टन से अगर गुजारेंगे तो थोड़ा वो येलोइश होता है, सही है, मुख्तलिफ तरह होता है, मुख्तलिफ मटीरियल से मुख्तलिफ कलर का फोटॉन प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। बिल्कुल रेड किसी से भी नहीं होता, बिल्कुल रेड किसी से भी नहीं होता, वो असल में क्या होता है, अच्छा क्या पता होता भी हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अंदर क्या है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कोई ऐसा मटेरियल है जिससे वो गुजारते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ रेड फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं रेड कलर के, उसमें और कोई कलर ही नहीं होता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्रोड्यूस वाइट होता है, वाइट का मतलब 7 कलर होते हैं उसमें, लेकिन उस बल्ब के ऊपर ना कोई ऐसा उन्होंने केमिकल लगा दिया है जो सिर्फ रेड को बाहर आने देता है, बाकियों को वो अंदर ही दबा देता है, बाहर आने ही नहीं देता, सही है। जैसे कि नाइट बल्ब के ऊपर होता है, अंदर उसके पीला फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बल्ब होता है ना, नाइट बल्ब आमतौर पर टंगस्टन का होता है, तो अंदर से वो सफ़ेद जल रहा होता है या पीला जल रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कवर ऐसा है जो सिर्फ लाल को बाहर आने की इजाज़त देता है, बाकियों को बाहर आने नहीं देता, वो एक ऐसा केमिकल उस पर लगा हुआ है, और वक्त के साथ साथ वो केमिकल फेड भी हो जाता है, सही है, वो लाल से आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़ेद हो जाता है पूरा, सही है, ये भी होता है, या ग्रीन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाता है वो केमिकल। तो स्क्रीन की हर लाइट, हर पिक्सल के अंदर जो 3 बल्ब लगे हुए हैं, उन 3 बल्ब के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो एक रेड को बाहर आने देता है, एक ब्लू को बाहर आने देता है और तीसरा ग्रीन को बाहर आने देता है, और वो ऐसे सीक्वेंस में लाइट ऑन ऑफ होती है कि हमें लगता है पिक्चर बनी हुई है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप जब भी अब कोई मूवी देखें तो इस चीज़ पर गौर करिएगा कि जब हीरो भाग रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर आपके, तो वो एक्चुअली कुछ लाइट्स हैं जो तेज़ी से बंद खुल हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे गोलियाँ वोलियाँ चल रही हैं, हीरो भाग रहा है या कोई कार रेसिंग हो रही है, तो आप इस चीज़ को ज़रा वो कीजिएगा कि ना उसमें पिक्सल फुल बंद हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने 2 बातें सीखी आज, हमने एक सीखा कि कलर की साइंस ओवरऑल है क्या, कलर की साइंस रियल वर्ल्ड में है क्या, उस कलर की साइंस को कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिमिक कैसे किया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लाइट इमिट होती है, प्रोड्यूस होती है फोटोन, और वो कैसे प्रोड्यूस है, बैटरी की पावर से, और वो मुख्तलिफ कलर हमारी आँखों के अंदर दाखिल होते हैं, हमारी आँखों के अंदर एक सेंसर है जो कलर सेंसिटिव है, वो जब उससे टकराता है जाके तो हमारा ब्रेन उसके कोई मीनिंग लेता है, जो कि मीनिंग क्या है, इस वाली मीनिंग के रिजेंबलेंस है, तो वो उसको ब्राउन समझ लेता है या रेड समझ लेता है या ग्रीन समझ लेता है, ठीक है जी।
अच्छा तो क्या इन्होंने कहा कि एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू टू फाइंड द कलर यू वांट यू कैन यूज अ कलर पिकर. अच्छा कलर पिकर क्या चीज़ है, ये जो हम देख रहे थे ना यहाँ पे ये विंडो जो खुली हुई है दिस इज कॉल्ड कलर पिकर. सही है, वी एस कोड में भी जो हम यहाँ हवर कर रहे हैं थोड़ी देर ये खुल के आ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कलर पिकर. कि भाई आपको कोड वगैरह पे इतने ग्रिप नहीं है, अगर आपको मतलब डिजाइनर को तो कोड याद होता है ना, वो कोड बोलेगा कलर सही बताएगा बिल्कुल. तो कह रहा है कलर पिकर यूज कर सकते हैं आप. कंप्यूटर मॉनिटर आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्क्वायर पिक्सल्स कॉल्ड पिक्सल. ठीक है, छोटे छोटे चकोर दानों से बनी हुई होती है, पिक्सल कहते हैं उसको. इफ यू लुक वेरी क्लोजली एट योर मॉनिटर यू शुड बी एबल टू सी देम. कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ही गौर से देखें अपने मॉनिटर को करीब करके बिल्कुल वो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगा के तो आप उसको देख भी सकते हैं. एक यूट्यूब पे किसी ने वीडियो भी बना के डाली हुई है, वो ऐसे जूम करता है ना, वो एक एक पिक्सल करीब करके दिखा रहा होता है. यूट्यूब पे वीडियो है, सर्च कीजिएगा आप लोग तो उसमें वो वीडियो पे भी जाके आप देख सकते हैं कि एक्चुअली वो पिक्सल कैसे काम कर रहे हैं. अच्छा ये कलर पिकर की एग्जांपल दिखाई है उन्होंने, जो फोटोशॉप में इस तरह का कलर पिकर होता है. अच्छा ये वो ऊपर जो हम बात कर चुके हैं कि आरजीबी की वैल्यू होती है, हेक्स कोड होता है और कलर का नाम होता है, ये तीन तरीके होते हैं, ये बात यहाँ पे आ गई. ये हम 10 जी नहीं, ये असल में मैं गलत बोल गया था. इन्होंने असल में ये बोला है कि योर कंप्यूटर मॉनिटर आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्क्वायर दैट इज कॉल्ड पिक्सल. पिक्सल इज कॉल्ड पिक्सल, मैं गलती से बोल गया था, समझ गया ना. ठीक है, वो टाइनी स्क्वायर है, छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पिक्सल. पिक्सल इज कॉल्ड पिक्सल नहीं, माई मिस्टेक. अच्छा अब एक तरीका जो है ना इसी आरजीबी की वैल्यू को बताने का, एक तरीका ये भी है कि ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस. जो कलर आप आरजीबी में बता सकते हैं वही कलर आप इस तरीके से भी बता सकते हैं. ये जो तरीका है ये तरीका अल्टीमेटली आरजीबी में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन कुछ जो नए दौर के डिज़ाइनर हैं उनको ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है. तो हो सकता है कभी कोई डिज़ाइनर आपको इस फॉर्मेट में भी कलर्स दे सकता है कि भाई ये लगा दो. ठीक है, तो आपके पास ये HSL का तरीका मौजूद है. अब कंट्रास्ट पे कुछ बात हो जाए कि जनाब कंट्रास्ट क्या चीज़ है. व्हेन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ कंट्रास्ट फॉर द नेक्स्ट टू बी लेजिबल, फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल. अच्छा जी, अब इसमें से देख के बताएं ज़रा कि कौन सा वाला फॉरग्राउंड बैकग्राउंड कलर जो है वो बेस्ट है एक वेबसाइट के अतबार से. अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं मीडियम वाला, कुछ लोग कह रहे हैं दरमियान वाला. सबसे फर्स्ट वाला क्यों नहीं, इसको जरा देखें इस टेक्स्ट को, मैं जूम इन भी कर देता हूँ थोड़ा इसको. सही है ये टेक्स्ट. अच्छा तो इस पे कुछ डिस्कशन की हुई है इसने, बुक वाले ने, ऑथर ने, तो हम जरा देखते हैं कि वो क्या डिस्कशन है इन्होंने की हुई है. जो सबसे पहले तो है लो कंट्रास्ट. तो लो कंट्रास्ट के मसले क्या है, टेक्स्ट इज हार्डर टू रीड, यहीं पर बात खत्म हो गई. टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं जाएगा, आपको गौर से देखना पड़ेगा. अच्छा तो आगे भी इसने कुछ बात लिखी हुई है कि भाई लैक ऑफ कंट्रास्ट से ना ये विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनको बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जाएगा. सही है, हम तो फिर भी गौर करके पढ़ लेंगे. नंबर दो, टेक्स्ट इज ईजियर टू रीड व्हेन देयर इज हायर कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड कलर. इफ़ यू वॉन्ट पीपल टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन योर पेज हाउएवर देन टू मच कंट्रास्ट कैन मेक इट हार्डर टू रीड टू. कह रहे भाई ये जो थोड़ी सी बात लिखी हुई है ना इसके लिए तो सही है, ये खैर है इसकी, लेकिन जब आप चाहेंगे कि भाई दो तीन पैराग्राफ आपने लिख दिए और आप चाहेंगे कि वो पढ़े बंदा, तो हायर कंट्रास्ट में क्या होगा, थक जाएगा बंदा, उसकी आंखों में दर्द हो जाएगा.
ठीक है, हार्डर टू रीड हो जाएगा, थकान होती है, जो डार्क कलर्स को देख के ना थकान होती है बंदे को, ठीक है, ये मैं पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूँ। ऑन अदर हैंड मीडियम कंट्रास्ट जो है, लॉन्ग पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट रिड्यूसिंग द कंट्रास्ट अ लिटिल बिट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, कह रहे हैं कि जब लॉन्ग पैसेजेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें आप बिल्कुल हाई से अगर थोड़ा कम कर दें तो हेल्पफुल रहता है वो। हेडिंग्स वगैरह के लिए हाई कंट्रास्ट सही है, जो दरमियान वाला है, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए थोड़ा मीडियम कंट्रास्ट सही है। अच्छा, आप नोट कीजिए, ये वाला जो टेक्स्ट है ये हाई कंट्रास्ट से थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तो फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर अपने स्क्रीन पे डायरेक्ट देख रहा है कोई ये इस बुक को, तो ये वाला टेक्स्ट स्टिल थोड़ा थका रहा है, तीन लाइनों में ही थका दे रहा है। अच्छा भाई, एक अब और हमारे पास, हमने अभी तक CSS की दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन कौन सी, कलर और बैकग्राउंड कलर, वो दोनों हम पहले ही लगा के देख चुके थे, थ्योरी पढ़ी है जस्ट हमने, अप्लाई तो पहले ही कर लिया था हमने शुरू में। अब तीसरी आ गई है ओपैक्सिटी, सही है, ओपैक्सिटी किस चीज़ को हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ट्रांसपेरेंट है उसको हम ओपैक्सिटी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मॉनिटर जो है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है? नहीं है, तो इसकी ओपैक्सिटी क्या है? 100% है, ठीक है। ओपैक ऐसी चीज़ को कहते हैं इसके आर पार नज़र ना आए, ठीक है। ओपैक्सिटी अगर 100% है तो उसके आर पार बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर से मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी, चड़िंग चड़िंग चड़िंग, यहीं से आ रही थी। बस ये तो इनको पता ही है, बता दिया ना आपने, बोला वैसे अगर आपको ही पकड़ा गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सर बोलेंगे मैं इसका भी कर दूंगा, मसला नहीं है मुझे भी। अच्छा, तो हम मेरे ख्याल इसी पे आते हैं वापस, ये तो बताने वाली बात नहीं है, तो शुरू में ही बता दिया गया था, तो दोबारा बताने का तो फ़ायदा नहीं है कोई। अच्छा, तो आप किसी भी चीज़, किसी भी एलिमेंट पे ओपैक्सिटी लगा सकते हैं, अगर उसको 0. अच्छा, ओपैक्सिटी की मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1, 0 और 1 के दरमियान में। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से आके ना अपने जो हमारा HTML का पेज था, सही है, ये जो हमारा हेडिंग है ना H1, इसकी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। मैंने कहा जी ओपैक्सिटी आपकी क्या हो जाए, 0.5 का मतलब है कि 50%, तो आप देखें वो 50% हो गया, 0.91 तक होती है, 1 असल में मैक्सिमम है, 1 का मतलब क्या है, कम्प्लीटली नज़र आ रहा होगा, ये ओपेक होगा, फुल 100% ओपेक होगा, ओपेक कहते हैं, ओपेक कहते हैं, ओपेक कहते हैं, सही है। अच्छा, अगर मैं कहूँगा 0.1 तो ये क्या है, सबसे लाइट वैल्यू पे मैं आ चुका हूँ। अगर मैं कहूँगा 0 बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि गायब, बैकग्राउंड कलर पे नहीं, एलिमेंट पे इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड इमेज पे आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन कलर पे ओपैक्सिटी आप कलर के साथ ही लगाते हैं, ठीक है। कलर पे अगर ओपैक्सिटी लगानी है तो वो कलर के साथ लगती है, तो मैं इसको 0.6 करके जो है छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ बैकग्राउंड कलर में जो हम देते हैं ना RGB, एक उसके अंदर स्टैंडर्ड है RGBA, अल्फा, लास्ट में हम अल्फा देते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है हमारा, जो हमने ब्लू लगाया हुआ है, मैं इसके ओपैक्सिटी को रोक देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ RGBA कर देता हूँ इसको मैं, सही है। RGBA में क्या कर सकता हूँ मैं, लास्ट में कॉमा डाल के मैं अल्फा लगा सकता हूँ 0.5, तो ये सेम काम करेगा, बट ये कलर के केस में हो रहा होगा, तो बैकग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर, ये सब में इक्वली काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको कहा कि यार ब्लू कलर मुझे चाहिए, और ब्लू कलर जो भी लगा हुआ है ना वो सेमी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मुझे, जो ओपैक्सिटी मैंने दी है उसके अकॉर्डिंगली दिख रहा है,
तो मैं किसी एलिमेंट पे भी लगा सकता हूँ, बटन है, कोई इमेज है, कोई पैराग्राफ है, ठीक है, और किसी भी चीज़ के कलर पे भी लगा सकता हूँ मैं, और उसके बैकग्राउंड कलर पे भी लगा सकता हूँ, तो सारे हर चीज़ पे कवर हो गया। इन दो चीज़ों में ना सारी चीज़ें कवर हो गई जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप बताएंगे, अगर कहीं पे स्टक होंगे तो मैं हेल्प के लिए मौजूद हूँ। अभी इन्होंने पैसेज लिखा है लंबा सा, मेरा ख्याल है ये आप खुद ही पढ़िएगा, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई है, जो ख़ास बात थी वो मैंने बता दी आपको। अच्छा, कुछ ओल्डर ब्राउज़र में ना ये ओपेक्सिटी काम नहीं करेगी, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम आगे HSL वाले स्टैंडर्ड पे, ये भी कलर को बताने का एक तरीका है, ठीक है, कम इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मौजूद है ये भी। HSL में आप क्या करते हैं, हु, सैचुरेशन और लाइटनेस, ये तीन चीज़ें बताते हैं, और जो सेम चीज़ RGB में देते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है इंटरनली। अच्छा, तो HSL में आप कैसे देते हैं कलर, या तो हेक्स कोड में देते हैं आप, ठीक है, जो हेक्स कोड है वो स्टिल वही है RGB वाला है, लेकिन सेम चीज़ जब मैं इसे गूगल पे जाके अगर इसको लिखूँगा मैं इस हेक्स कोड को, तो गूगल ना मुझे HSL भी बताएगा, सब बता देगा। ये देखो इसने HSL बता दिया मुझे, ठीक है, तो हमें पता क्या चला कि वही RGB ही असल में है जो ऐसे HSL के भी पीछे काम कर रहा है, और सेम चीज़ HSL में दे दी। अच्छा, HSL के साथ क्या है, HSL A लास्ट में अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या चीज़ है, वही ओपेक्सिटी है 0.5। लेकिन ये तरीका आप अपनी प्रैक्टिस में ये तरीका यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन ज़ाहिर है बुक में इसलिए मौजूद है कि कभी डिज़ाइनर ने आपको इस तरीके पे दे दिया तो आपको पता हो एटलीस्ट कि अच्छा ये भी एक चीज़ है मार्केट में, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस में कोशिश कीजिएगा, या तो हेक्स कोड इस्तेमाल करें या तो RGB वाला तरीका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा जी, ये लास्ट में इन्होंने वो HTML का कोड बताया हुआ है जो शुरू में PHSCALE लिखा हुआ था, तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो PHSCALE वाला जो है आप लाजमी अपने हाथ से बना लीजिएगा, और जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, या किसी ने अगर अभी बना लिया तो अभी भी वो दिखा सकता है जी। इस चैप्टर के शुरू में जो लिखा हुआ था ना PHSCALE, बना लिया, किसने बनाया, कोई है जिसने वो पहले से बनाया हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, आराम से बनाना, सही है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले घर जाके ना उसको अपने हाथ से कोड को लिखना, कोड तो लिखा हुआ है बुक के लास्ट में, कोड सारा उन्होंने लिख के दिया हुआ है, लेकिन कोशिश करना कि अपने हाथ से लिखो, सही है, उसको देख देख के लिख लो अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाथ से लिखना, ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, हाथ पे बैठता है पूरा। अच्छा, तो हमने यार ये चैप्टर ख़त्म कर लिया आज, इसकी समरी जल्दी से पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है हमारे पास। तो समरी में कह रहे हैं कि कलर नॉट ओनली ब्रिंग्स योर साइट टू लाइफ बट ऑल्सो हेल्प्स कन्वे द मूड एंड इन्वोक्स रिएक्शंस, ठीक है, हमने ये बात डिस्कवर की थी कि कलर जो है वो क्या होता है, मूड को चेंज करता है और बंदा जो है ना बंदे के रिएक्शन को इन्वोक करता है, ठीक है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी नज़र आती हैं जिसको देखते ही दिल करता है कि बंदा लाइक का बटन दबा दे, सही है, तो रिएक्शन आपके इन्वोक होते हैं। फेसबुक ने जब ही लाइक को हटा के रिएक्शंस कर दिया उसको, मतलब पहले वो जस्ट लाइक होता था, अगर किसी ने वो टाइम याद हो किसी को, फेसबुक में लाइक प्रेस होता था, जस्ट लाइक होता था, अब वो हो गया रिएक्शन। रिएक्शन 5 तरह के उन्होंने बेसिक रिएक्शन रखे हैं। There are 3 ways to specify colors in CSS: RGB value, hex code and color name. ये तीनों हम अच्छी तरह डिस्कवर कर चुके हैं, किसी को इसमें कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। कलर पिकर्स कैन हेल्प यू फाइंड द कलर यू वॉन्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ कंट्रास्ट बिटवीन एनी टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड कलर, अदरवाइज पीपल विल नॉट बी एबल टू रीड योर कॉन्टेंट। कि जब भी हम
कोई कलर डिसाइड कर रहे हों फॉरग्राउंड का और बैकग्राउंड का, तो हम ये ख्याल रखें कि उसमें इनफ कंट्रास्ट हो, मैक्सिमम कंट्रास्ट नहीं हो, इनफ कंट्रास्ट हो, ठीक है। अगर लॉन्ग पैसेजेस हैं तो हमने ये देखा है कि हाई कंट्रास्ट काम नहीं करता, थोड़ा कम करना पड़ता है। अच्छा, CSS3 has introduced an extra value for RGB color to indicate opacity. It is known as RGBA. ठीक है, RGB पहले बताते हैं, कॉमा डाल के लास्ट में अल्फा बताते हैं उसके। CSS3 also allow you to specify color as HSL value. ठीक है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, वो भी ऑप्शन मार्केट में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्राइमरीली यूज़ नहीं होता लेकिन मौजूद है। विथ एन ऑप्शनल ओपेक्सिटी वैल्यू विच इज़ नोन एज एच एस एल ए, एक उसमें एच एस एल ए वाला भी वर्जन है, लास्ट में अल्फा दे देते हैं, उसमें भी ओपेक्सिटी शामिल हो जाती है। देखो कलर में देना है तो एच एस एल, सॉरी कलर में अगर देना है तो अल्फा कलर के साथ दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मुझे इमेज की ओपेक्सिटी को चेंज करना है तो वो तो कलर में नहीं दे सकता ना, उसको मुझे अलग से ही देना पड़ेगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है टेक्स्ट। अब कौन मुझे बताएगा ये बात सोच के गौर से कि टेक्स्ट के अंदर डिजाइन का एलिमेंट क्या है। अच्छा ये तो याद है कि डिजाइन क्या है, डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल। तो अब मुझे सोच के ज़रा बताओ कि टेक्स्ट के अंदर डिज़ाइन का क्या एलिमेंट है। देखो दोस्त ने कहा कि उसका जो साइज है, उसका जो वेट है कि बोल्ड है इटैलिक है अंडरलाइन है, दोस्त ने कहा कि उसका कलर जो है वो मैटर कर। तो डिज़ाइन क्योंकि समथिंग फंक्शनल है तो किसी भी टेक्स्ट को उसका फॉन्ट छोटा बड़ा करने की फंक्शनैलिटी क्या है। सही। अच्छा टेक्स्ट के अंदर ना जितनी भी चीज़ें हमारे पास वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप से लेकर जो चल रही होती हैं, सबसे ज़्यादा डिज़ाइन का जो एलिमेंट होता है वो टेक्स्ट के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा वो अट्रैक्शन को लेकर नहीं, कंफर्ट को लेकर, क्योंकि बंदा जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कुछ पढ़ने के लिए आता है, कुछ डेटा एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो आपकी आपकी वेबसाइट पे आके, या आपकी मोबाइल ऐप पे आता है या फेसबुक पे आता है, वो पोस्ट को पढ़ेगा ऑफ कोर्स, सही है ना, पढ़ के उसको फिर कमेंट करेगा, वो भी लिखा हुआ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन का एलिमेंट टेक्स्ट में है। तो क्या है वो एलिमेंट? नंबर एक, उसका फॉन्ट स्टाइल। ये जो आपके सामने फॉन्ट स्टाइल है, कोई बता सकता है कि इसका फॉन्ट का नाम क्या है इस स्टाइल का? अच्छा मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सा फॉन्ट साइज है, जस्ट कॉमन सा कोई फॉन्ट साइज है। ये जो फॉन्ट है ये वाला, ये नीचे वाले से अलग है, नहीं स्टाइल अलग है इसका, साइज तो है ही, खैर फर्क है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, ये नीचे वाले से मुख्तलिफ है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ये मुख्तलिफ है, होगा ऑफकोर्स। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 12, ये इन दोनों से अलग है। तो इस पेज पे तीन अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल हुआ है, सही है, इस फॉन्ट पे तीन अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा ये वाला जो फॉन्ट है, इसमें आप देखें वन के आगे ना एक चोंच निकाली हुई है उन्होंने एक्स्ट्रा, फिर वन के नीचे भी दो चोंच निकाली हुई है, फिर टू में लास्ट में एक ऐसे दम खड़ी की हुई है, सही है, फिर टू के ऊपर जो है ना ऐसे ऐसा लग रहा है कुछ ड्रॉप की तरह टपकने वाला है, इस तरह का एक शेप बनाया है इसका। तो ये क्या है, ये सब क्या किया हुआ है इन्होंने, डिज़ाइन है ये,
ठीक है, ये क्या है, डिज़ाइन है, ये वही चीज़ है। अच्छा ये है तो डिज़ाइन, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक मैंने नहीं बताई। मैं जस्ट आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये इसमें कुछ हुआ हुआ है ऐसी मुख्तलिफ चीज़। ये मैं जस्ट आपकी अटेंशन ड्रैग कर रहा हूँ, अभी मैंने फंक्शनैलिटी बताई नहीं है कि ये इससे अचीव क्या कर रहे हैं, वो अभी आप थोड़ी देर में हम देखते हैं, खुद ही आ जाएगा, बुक में भी आ जाएगी। तो इस ये 12 जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा ऐसे चौंचे मोचे बाहर निकाली हुई है, वो नीचे वाले टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ टेक्स्ट भी ऐसा होगा जो थोड़ा सा खींच के लिखा हुआ होगा, लंबा करके लिखा हुआ होगा। ये कौन बनाता है इसको, ऐसा किसने बनाया, किसी का तो दिमाग लगा होगा ना इसके ऊपर। टाइपोग्राफर्स, ठीक है, जो डिज़ाइन का एक डिपार्टमेंट होता है टाइपोग्राफी, ठीक है। एक तो देखो डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोग्राफर होते हैं, वो फोटो खींचते हैं, एक होते हैं पेंटर, वो भी डिज़ाइनर काउंट होते हैं, एक होते हैं कपड़े डिज़ाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं भाई वो एम्ब्रॉयडरी वाले कहते हैं, या फैशन डिज़ाइनर कहते हैं, ठीक है, बुंदे डिज़ाइन कर दिए। एक परफ्यूम डिज़ाइन करते हैं, परफ्यूमर्स बोलते हैं उनको, पता नहीं। फिर एक डिज़ाइनर होते हैं वो मोबाइल ऐप डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर होते हैं, वो फोटोशॉप पे ना पूरी वेबसाइट तैयार कर देते हैं फोटोशॉप में। एक डिज़ाइनर होते हैं टाइपोग्राफर्स, जो पुराने ज़माने के बादशाह वगैरह होते थे ना, वो उनके पास ना ये टाइपोग्राफर्स होते थे, 4-5 उनके पेरोल पे होते थे। कुछ अरसे पहले तक कराची में भी टाइपोग्राफर्स एग्जिस्ट करते थे, अब नहीं है, ख़त्म हो गया, शायद होंगे अभी भी एक आध। तो आप अगर आज से 10 साल पहले किसी का जाना हुआ हो बोतल गली की तरफ, सिटी कोर्ट के सामने का जो एरिया है, कागजी बाजार है क्या नाम है उसका, पाकिस्तान चौक और उसके आसपास का जो एरिया है, क्या नाम है, उर्दू बाजार तो है, एक कागजी बाजार भी है गालबन। मैं जब छोटा सा था तो मैं अपने अब्बू के साथ जाता था, मेरे अब्बू का केमिकल का काम है, केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, तो वो लेबल्स वगैरह जो लगते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो वहाँ प्रिंट करवाने जाते थे हमारे अब्बू, तो मैं उनके साथ कभी कभी चला जाता था। तो वहाँ मैंने कुछ देखे थे इस तरह के लोग, के बूढ़े अंकल बैठे हुए होते थे, उन्होंने एक टेबल लगाई हुई होती थी ऐसे, और वो एक इंक पॉट रखा हुआ होता था उन्होंने, और इंक पॉट में ना वो डुबो डुबो के उन्होंने लकड़ी की एक पेन अपना बनाया हुआ, खुशखती वाला पेन उनका होता था, और उससे वो लिख रहे होते थे। तुम्हारे पूछे क्या कर रहे हैं, मैंने बताया ये शादी कार्ड लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो कैलीग्राफी करते थे, शादी कार्ड लिखते थे वो। अच्छा, उनमें से ज़्यादातर लोगों के, उनका तो मैंने नहीं कुछ पता, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के काम करते हैं लोग, उनका फॉन्ट अपना होता है, वो जिस अंदाज में लिखते हैं वो उनका अपना बनाया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी टाइपोग्राफी हुई हुई है जो हम कंप्यूटर पर देखते हैं, वो किसी ना किसी के पास उसका क्या है, पेटेंट है, ठीक है, किसी ना किसी के पास उसका क्या है, पेटेंट है। तो ये टाइपोग्राफी जो लोग कर रहे हैं वो करके चले गए। अच्छा, उनसे ख़रीदा किसने, विंडोज़ ने, और एप्पल ने ख़रीद के मैक में डाला, और लिनक्स ने ख़रीद के लिनक्स में डाला। यही वजह है कि लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स और फ्री है, तो लिनक्स जब आप इंस्टॉल करते हैं उसमें ज़्यादा फॉन्ट नहीं होते अंदर, बहुत थोड़े से होते हैं, जो ओपन सोर्स है ना वो होते हैं, जैसे क्लिबरी वगैरह, ये चीज़ें ना आपको लिनक्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लिबरी बनाया माइक्रोसॉफ्ट में, शायद खुद अपने पेरोल पे रख के किया होगा हायर, कि भाई चलो बना दो हमारे लिए कुछ, एक तो इन्होंने शायद बनवाया खुद, तो इसी वजह से क्लिबरी ना आपको लिनक्स में नहीं मिलेगी, और मैक में भी नहीं मिलती बाई डिफ़ॉल्ट। आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री में डाउनलोड हो जाती है गूगल फॉन्ट से। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि भाई इस फॉन्ट की जो फॉन्ट स्टाइल है या फॉन्ट फैमिली है, इसके बाकायदा डिज़ाइनर्स होते हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं, और ज़ाहिर है जब डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती होगी। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि फंक्शनैलिटी है क्या। चलते हैं जी आगे, देखते हैं टेक्स्ट में। तो ये जो सारा कुछ है ना, साइज़, टाइप फेस, अच्छा ये जो फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं ना इसको, असल में टाइप फेस इसका अच्छा नाम है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल्स, अंडरलाइन। अच्छा, बोल्ड से तो चलो सही है ना, पूरे पैराग्राफ में ये वर्ड को हाईलाइट करना है तो बोल्ड कर देते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस,
कि अगर लाइन लिखी हुई है, ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, तो उनके दरमियान फासला कितना होगा, लाइन स्पेसिंग, ये भी डिज़ाइन एलिमेंट है। ठीक है, ज़ाहिर है लाइन स्पेसिंग में जितनी कम करूँगा टेक्स्ट स्पेगेटी बन जाएगा, घुस जाएगा एक दूसरे में, जितनी ज़्यादा करूँगा पैराग्राफ खुला खुला सा नज़र आएगा। तो ये भी डिज़ाइन का एक एलिमेंट, कॉमन सेंस से बंदा समझ सकता है इसको। अच्छा, वर्ड्स एंड लेटर स्पेसिंग, कि वर्ड एक वर्ड है उसके पड़ोस में दूसरा वर्ड है, जैसे आई एम अ गुड बॉय लिखा हुआ है, इसमें चार पांच वर्ड हैं, तो हर वर्ड के दरमियान कितना स्पेस होगा, ये भी आप सेट कर सकते हैं सीएसएस के जरिए। लेटर्स के दरमियान कितना स्पेस होगा, ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ है पुलिस पी ओ एल आई सी, तो हर लेटर के दरमियान ज़्यादा ज़्यादा फासला होगा या कम कम होगा, कितना होगा, वो भी आप सेट कर सकते हैं, और ये भी डिज़ाइन एलिमेंट है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम जनाब, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि टाइप फेस जो है उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, वो पहले हम डिस्कवर कर लेते हैं। तो जनाब दुनिया में जो फॉन्ट हैं, सारे दुनिया में जितने भी फॉन्ट हैं जो डिज़ाइनर बनाते हैं, ऑफकोर्स जैसे जो कपड़े डिज़ाइन करते हैं, कपड़े के जो डिज़ाइनर होते हैं, उन्होंने कपड़े के अलग अलग नाम रखे हैं, ऐसा ही है ना। तो वो साड़ी डिज़ाइन करते हैं, वो अच्छा साड़ी उन्होंने हज़ारों तरह की होगी, लेकिन जब उसको आप दिखाएंगे ना उठा के, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये साड़ी है फलाने डिज़ाइन की, उस साड़ी का कुछ ना कुछ नाम रखेगा, कुछ रखेगा, वो अलग केस है। कैप डिज़ाइन करेगा, सही है, शर्ट्स डिज़ाइन करेगा, पाजामास डिज़ाइन करेगा, शूज़ डिज़ाइन करेगा। तो फॉन्ट में भी ना, जो फॉन्ट बना रहा है बंदा, तो वो क्या क्या बना सकता है, वो तीन चीज़ें बना सकता है, एक साड़ी, पजामा और कैप, तीन चीज़ें बना रहा है। उन तीन चीज़ों का नाम क्या है, सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनो स्पेस। पूरी दुनिया में जो फॉन्ट बन रहे हैं उनकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इन तीनों में किसी एक में फॉल करेगा। वो क्या है वो क्लासिफिकेशन, सेरिफ। सेरिफ उस तरह का फॉन्ट होता है जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड हुई भी होती हैं। अच्छा, तो अब ज़रा पढ़ते हैं कि भाई सेरिफ का क्या मंजन है। सेरिफ फॉन्ट हैव एक्स्ट्रा डिटेल ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक्स ऑफ द लेटर, दीज डिटेल्स आर नोन एज सेरिफ। ये जो चोंचें निकली हुई है ना इसमें, इन चोंचों को सेरिफ कहते हैं। तो शुरू में जो 12 लिखा हुआ था चैप्टर का नाम, वो क्या था, वो चोंच थी और वो सेरिफ था। तो हम समझ आ गया आसानी से। अच्छा, सैन सेरिफ, सैन सेरिफ का मतलब है कि सेरिफ नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो वो सैन सेरिफ है। स्ट्रेट एंड्स टू लेटर्स एंड देयरफॉर हैव अ मच क्लीनर डिज़ाइन। देखो डिज़ाइन का वर्ड यहाँ आ गया, क्लीनर डिज़ाइन है ये। मोनो स्पेस, एवरी लेटर इन अ मोनो स्पेस फॉन्ट इज द सेम विर्थ। कोई भी लेटर होगा उसकी जो विर्थ है वो सेम होगी, ये मोनो स्पेस कहलाता है। देखो किसी भी फॉन्ट में आई जो है ना उसकी सबसे कम चौड़ाई होती है और M की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मोनोस्पेस में I की चौड़ाई और M की चौड़ाई दोनों बराबर है, जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ। ठीक है, जितने भी A से लेकर Z तक लेटर्स होंगे सबकी चौड़ाई सेम होगी। आमतौर पर टाइपराइटर्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर अगर ये, इसका रीज़न ये था जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसका, कि भाई अगर कोई कैरेक्टर बीच में गलत प्रेस हो गया, जैसे मेरा नाम बहुत सारे लोग गलत लिख देते हैं, आई एन जेड ए एम ए एम स्पेलिंग है मेरी नाम की सही, इंजमाम, आई एन जेड ए एम ए एम, बहुत सारे लोग इंजीमाम लिख देते हैं, आई एन जेड आई एम ए एम, ठीक है, इंजी से उनको लगता है इंजीमाम होता होगा। अब वो आई जो बीच में लिखा गया है, टाइप हो गया है, उसको मुझे मिटा के उसकी जगह ए लिखना है, तो आई की चौड़ाई तो होती है कम, ए की होती है ज़्यादा, या एम लिखना है, आई को हटा के एम लिखना है, तो फिर तो मैं फंस गया। तो इस वजह से मोनो स्पेस इस्तेमाल होता है, टाइपराइटर्स वगैरह के टाइम पे ये याद हुआ था कि सारे स्पेस की जो चौड़ाई है वो सेम होगी, तो आई को मिटा के ए ईजिली वहाँ लिखा जा सकता है। खैर, तो अब हम ज़रा नीचे देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, सेरिफ का डिज़ाइन एलिमेंट क्या है। इन प्रिंट सेरिफ फॉन्ट वर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पैसेजेस। जो सेरिफ फॉन्ट है, जो नॉवेल्स होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं अंग्रेजी वाले, जो बुक्स होती हैं छोटी छोटी पॉकेट बुक्स, उनमें सेरिफ में लिखा हुआ होता है पूरा मजमून उनका। अच्छा, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड ईजियर टू रीड। ये जिन्होंने भी डिज़ाइन किया था सेरिफ, तो लोगों को, लोगों ने ऐसा
रियलाइज़ किया कि जब ये वाला फॉन्ट होगा ना तो पढ़ने में आसानी होती है, सही है। अच्छा, प्रिंट की बात हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया इन प्रिंट, ये स्क्रीन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छछा, अगले पे आ जाते हैं हम, सैन सैरिफ। स्क्रीन हैव लोअर रेजोल्यूशन देन प्रिंट। जो प्रिंट का रेजोल्यूशन होता है वो होता है 300 पिक्सल पर इंच, एक इंच में 300 पिक्सल होते हैं प्रिंट में। स्क्रीन के ऊपर आमतौर पे, वैसे तो अभी नए वाले जो लैपटॉप है जैसे ये है, इसके अंदर शायद 350 पिक्सल पर इंच है, यानी प्रिंट से भी ज़्यादा। लेकिन आमतौर पे जो मॉनिटर, जैसे ये मॉनिटर अवेलेबल है, जो कॉमनली अवेलेबल है, उसकी जो डेंसिटी होती है या उसका जो साइज़ होता है या उसका जो पिक्सल पर इंच होता है वो 72 होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में जो भी स्क्रीन होती है या मॉनिटर में होती है, या जो आपके घर में 55 इंच का बड़ा सा टीवी है, उसकी भी आमतौर पर जो पिक्सल की डेंसिटी है वो 72 होती है ऑन एवरेज, सही। आजकल जो बिल्कुल नए वाले टीवी है सैमसंग के, शायद उसमें 200-250 पिक्सल पर इंच होता हो, ठीक है, 4K वाले जो अच्छे वाले, तो ऑन एवरेज 72 होता है, तो कम होता है प्रिंट से। सो इफ टेक्स्ट इज स्मॉल, सैंस सेरिफ फॉन्ट कैन बी क्लियरर टू रीड। दो इसने कंडीशन लगाई है, अगर स्क्रीन पे हो, अगर स्मॉल हो, ठीक है, दो बातें बोल दी इसने, तो फिर क्या होगा, सैंस सेरिफ सही रहेगा, सही है। दो बातें इसने बताई कि अगर स्क्रीन पे होगा टेक्स्ट, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, टीवी की हो स्क्रीन, और स्मॉल हो तो सैंस सेरिफ, यानी कि चकोर कोनों वाला, बगैर चोंच वाला, क्लियर टू रीड है। यही वजह है कि इस बुक में आप देखें जो छोटे छोटे फॉन्ट है वो सारे सैंस सेरिफ हैं, लेकिन जब बड़ी हेडिंग थी, बड़ा सा 12 लिखा हुआ था, तो क्या था उसमें, मसला नहीं है उसमें, मैं सैंस सेरिफ भी कर सकता हूँ, सेरिफ भी कर दूँ तो खैर है, क्योंकि इसके चोंच जो है वो बहुत मोटे मोटे चोंच है, बारीक चोंच नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने 72 पिक्सल वाले रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे मैंने छोटा फॉन्ट कर दिया और चोंच वाले फॉन्ट लगा दिए, तो वो चोंच सही से रेंडर नहीं होगी, क्योंकि वो चोंच बहुत बारीक हो जाएगी, रेंडर नहीं होगी सही तरह, ठीक है। तो चकोर चकोर कोने वाले फॉन्ट अच्छी तरह से रेंडर हो जाते हैं। नंबर 3, मोनो स्पेस फॉन्ट आर कॉमनली यूज इन कोड बिकॉज दे अलाइन नाइसली। कह रहे हैं मोनो स्पेस के जो फॉन्ट है ना वो बहुत अच्छे से अलाइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक जैसा होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा जब एमएस वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, या इसमें भी आप देखें, ये जो पैराग्राफ है इसके हर लाइन जो ख़त्म हो रही है वो अलग लेंथ पे ख़त्म हो रही है, एक जैसी लेंथ नहीं है। अगर ये मोनो स्पेस में होता ना तो ये बिल्कुल एक जैसी लेंथ होती सबकी। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ भी होती है एमएस वर्ड में, जस्टिफाई करके ऐसे होती है, उससे कर लेते हैं, लेकिन वो जुगाड़ से करता है, वो दरमियान के स्पेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो मोनो स्पेस में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। दूसरा रीज़न मैंने बता दिया कि अगर बीच में से रिमूव करना हो कोई वर्ड तो उसके लिए भी आसान है, तो टाइपराइटर में सेम सब लोग यही यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली नंबर 1। इसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली, सही है, फॉन्ट फैमिली कहते हैं इसको, कि भाई कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब सेरिफ के हज़ारों फॉन्ट हैं, सेरिफ फॉन्ट जो है ना हज़ारों हैं, सैंस सेरिफ भी बहुत हैं, हज़ारों हैं। जैसे एरियल एक है, एरियल कौन से में लाए करता है, सैंस सेरिफ में, सही है। देख लेते हैं, जाके गूगल पे लिखूँगा मैं लिखूँगा मोस्ट पॉपुलर सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है, 23 बेस्ट सेरिफ फॉन्ट्स, ये आ गया भाई। ये उस वाले से मुख्तलिफ है जो हमने देखा है, लेकिन है ये सेरिफ, ये नीचे देखो आ गया, ये आ गया, ये भी, हाँ ये शिकागो मेकर्स नाम है इसका, ये किसी ना किसी के पास, देखो ना डिज़ाइन भाई किसके, डिन स्टूडियो, डिन स्टूडियो करके कोई कंपनी है, उनके पास पेटेंट है इसका, कोई भी इस्तेमाल करेगा उनसे ख़रीद के करेगा, ठीक है। अब ये बोको बॉस्का, बॉस्का जो है वो किसने बनाया हुआ है, डिज़ाइन बाई लैटिन टाइप CEO, लैरिन टाइप CEO करके कोई कंपनी है, 2020 में उन्होंने ये फॉन्ट बना के रिलीज़ किया। ये है भाई आपका ग्रेमॉन्ड, वो भी बताता हूँ वो कैसे होगा। तो ये मैंने कौन से फॉन्ट निकाले हैं, सेरिफ फॉन्ट्स निकाले हैं जो भी मार्केट में मौजूद हैं। तो ये काफ़ी सारे, देखो ये भी सेरिफ है, चोंचे मोचे निकली हुई हैं, ये एच की देख रहे हो, और ये के बिला वजह के चोंच निकाली हुई है बिला वजह नहीं है भाई,
रीज़न होगा कोई ना कोई, भाई वो डिज़ाइनर बेहतर जाने। तो फ़न की कदर को फनकार जानता है। तो ये देख रहे हो वेरिएबल फॉन्ट, ऐसे करके इन्होंने जो है ना वो काफ़ी अच्छा सा इन्होंने फॉन्ट बनाया हुआ। अच्छा उसके बाद है बोडोनी स्टेरिक, OGG। सही, अब मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये 25 के करीब फॉन्ट है, अच्छे हैं सारे फॉन्ट, ठीक है। ये है ब्यूटी क्लब, इस फॉन्ट का नाम ही इन्होंने रखा ब्यूटी क्लब, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ये फॉन्ट डिज़ाइन किया है बंदे ने। देख रहे हो उसकी सोच कहाँ तक जा रही है, उसने कोई ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट डिस्कवर किया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट पे कुछ इम्पैक्ट होता होगा इसका, वो हमें बताएगा नहीं लेकिन उसने किया है डिस्कवर ये। ब्यूटी क्लब इज योर गैस, किसने डिज़ाइन किया ये, कल्टिवेटेड माइंड, ये काम नाम से कंपनी है कल्टिवेटेड माइंड के नाम से उन्होंने बनाया ये। खैर अच्छा, इसी तरीके से सैंस सेरिफ लिखूंगा मैं, वो भी बहुत सारे आ जाएंगे। ये मैंने सैंस सेरिफ लिख दिया, 22 मोस्ट पॉपुलर सैंस सेरिफ। अच्छा ये पहले शुरू में बता रहा है कि फ़र्क क्या होता है सैंस सेरिफ में और सेरिफ में, वो हम देख चुके हैं। ये वाला ये आ गया जी, देख रहे हो बिल्कुल चकोर चकोर हैं सारे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं निकली हुई। पब्लिक सैंस, जैम, गैरेट, मुश्किल नाम है इसके, बीबी कैब कॉबेन, ओपन सैंस, क्वाली विलन, ठीक है ना, कोड नेक्स्ट, सही है। ये हमने देख लिया, अब मोनो स्पेस देख लेते हैं। सही है, मोस्ट पॉपुलर मोनो स्पेस फॉन्ट, सही है। शुरू में इसने डिफरेंस बताया कि मोनो स्पेस क्या होते हैं और प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, जो मोनो स्पेस का अपोजिट है वो प्रोपोर्शनल है। ये फॉन्ट है भाई, ठीक है, प्रो प्रोसलेशन बैसल, पता नहीं क्या नाम है, मुश्किल से प्रो बैटल स्टेशन मोनो, अल्मा मोनो, सही है, मोनो फॉन्ट सब यहाँ से शुरू हो गया। वॉल्टर, टाइम हो गया हमारा 5 मिनट ऊपर हुआ है ना यार, ऊपर हो गया सर। सही है, तो ये मोनोस्पेस फॉन्ट भाई अच्छे अच्छे भी हैं यार, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे वॉल्टर जितना अच्छा फॉन्ट नज़र आ रहा है इतना अच्छा कोई होगा, लेकिन यार अच्छे अच्छे फॉन्ट भी हैं वॉल्ट इसमें। अच्छा विंटामा, इसमें देखो आई का वी का एन का वो सबके इक्वल है डिस्टेंस, बैठ जाओ ना जल्दी है क्या तुम्हें। सही है जी, तो ये सारे हमने देख लिए मोनो स्पेस वाले। अच्छा मेरा ख्याल है हम यहीं तक रोकते हैं इसको आज, और अगली क्लास के लिए मैंने क्या दिया एक बार रिपीट कर दो ज़रा जल्दी से। एक तो लास्ट क्लास वाला भी नहीं करके लाया तुम लोग, रिसर्च करने कहा था मैंने UX नहीं उस तरह से, जो जिस लेवल की एक्सप्लेनेशन मैं चाह रहा था वो नहीं किसी ने दी, तो मज़ीद एक्सप्लोर करना, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा है वो पीएच स्केल वाला, वो भी बना कर लाना, अगली क्लास में मैं चेक करूँगा तुम लोगों को, सही है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।